नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 देख रहे हैं। इसका चौथा पाठ अनुपात और समानुपात है। इसका पहला एक्सरसाइज का थोड़ा हिस्सा आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, जिसके अंतर्गत आपको दो संख्याओं का अनुपात अति संक्षिप्त रूप में ज्ञात करना सिखाया गया था, और उसके अलावा अगर वो दो संख्याएं राशियां हैं और उनकी कुछ इकाइयां हैं, तो उन इकाइयों को पहले हम समान करते हैं, उसके बाद उन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी एक्सरसाइज का तीसरे सवाल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तीसरा सवाल अगर आप ध्यान दोगे तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिशतों को अति संक्षिप्त अनुपात के रूप में लिखिए। तो ये आपका प्रश्न है कि आपको जानकारी जो दिया है, या तो प्रतिशत के रूप में दिया है या तो अनुपात के रूप में दिया है, उसको अति संक्षिप्त रूप में करना है। तो फिर से स्थिति वही बन रही है कि अनुपात दिया है, उसको अति संक्षिप्त रूप में करना है। तो मतलब वो पहला सवाल जैसी ही बात हो गई कि यहाँ दिया है कि 75/100, इसको अति संक्षिप्त रूप में करने के लिए क्या करोगे? 75/100, इस तरह से हम लिखते हैं। अब अति संक्षिप्त रूप में करने के लिए हम ये सोचते हैं कि कौन सी संख्या से दोनों में भाग जाएगा, उस संख्या पर विचार करते हैं। और उसके लिए बहुत एक आसान तरीका यह है कि अगर इकाई में 5 अथवा 0 है, तो निश्चित रूप से 5 से वो कटेगा। तो हम इसको अगर 5 से काट दें, 5 एक कम 5, 2 25, 5 पचे 25। अब ऊपर 5 से भाग दिए तो नीचे भी 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। अगर किसी को डायरेक्ट ध्यान में आए कि नहीं हम तो डायरेक्ट 25 से भाग दे सकते हैं, तो वो 25 से भी भाग दे सकता है, पर यहाँ पे हमको ऊपर 15 बचा, नीचे 20, तो अभी भी हम इसको काट सकते हैं क्योंकि किनारे पे 5 और 0 है, मतलब दोनों में 5 से भाग जाएगा। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 3 15, 5 से इसमें भाग देंगे 5 4 20। तो इस तरह से आपको जवाब क्या मिला? 3/4। अब तो मतलब बात वही हो गया कि इसे हमें अति संक्षिप्त रूप में करना है। दूसरे सवाल में थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा है कि सॉरी, मैं तीसरा सवाल करा रहा हूँ क्योंकि दूसरा सवाल एकदम वैसे ही है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ तीसरा सवाल करा रहा हूँ कि आपको 6.25% दिया गया है, इसको अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो सबसे पहली बात, तो प्रतिशत मतलब क्या? जैसे कि आपको पता होगा, जैसे अगर किसी विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या होता है कि 100 में से 60, मतलब अगर पेपर 100 नंबर का है तो उसको 60 नंबर मिला है। जैसे कहीं बोला जाता है कि सेल लगा है, 10% का छूट है। 10% का छूट है मतलब अगर उसका दाम 100 रुपया है तो उसपे 10 रुपए की छूट मिलने वाली है, मतलब वो 90 रुपये में मिलेगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना। तो वैसे यहाँ पे जो लिखा है 6.25%, मतलब ये 100 में से 6.25, तो इसी को अनुपात के रूप में हम किस तरह से लिखते हैं? 6.25/100। अब फिर से हमें इसको अति संक्षिप्त रूप में करना है, तो देखो अनुपात कभी भी हम दशमलव में नहीं व्यक्त करते हैं, इसलिए पहला तो काम है कि दशमलव इसका रिमूव करें। दशमलव रिमूव करने के लिए यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव है, मतलब हमें 100 का गुणा करना होगा। लेकिन नियम यह है कि आपने ऊपर 100 का गुणा किया तो नीचे भी 100 से गुणा करना होगा। तो इससे यहाँ ऊपर जब 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा? 625, और नीचे क्या बचेगा? 100 गुणे 100। देखो ऊपर का 100 का तो गुणा हो गया दशमलव निकालने के लिए, लेकिन नीचे का 100 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को ऊपर नीचे काट करके छोटा करना है, तो या तो आप 5 से भाग दो, और अगर आपको ध्यान में आता कि नहीं 25 से भी कट सकता है, तो आप 25 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हो। जैसे 25 का पहाड़ा पढ़े, 25 दूनी 50, 12 बचेगा, 125, 25 पच्चे 125। मतलब मैंने क्या किया, ऊपर 25 से भाग दिया, लेकिन जब ऊपर मैंने 25 से भाग दिया तो नीचे भी 25 से भाग देना जरूरी है। तो अब ये सोचना है किसमें भाग दें, इसमें कि इसमें, जो भी कटता है उसमें आप भाग दे सकते हो, लेकिन दोनों में नहीं देना है। जैसे मैं इसमें भाग दे रहा हूं, तो 25 चौका 100,
अभी भी ऊपर नीचे कुछ कटने की स्थिति में है, इसको जैसे 25 से मैंने काट दिया, 25 से कम 25, और इसको 25 से काटा तो 25 चौका 100। अब और कुछ कटने की स्थिति में यहाँ नहीं है, तो ऊपर क्या बचा है, एक, और नीचे चार का चार में गुणा है। कभी कभी गलती से इसको चार से चार काट मत देना, नहीं तो समान संख्या दिखने में बहुत तेजी से लालच आता है कि नहीं इसको भी काट दो। देखो ऊपर नीचे काटना है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो चार का चार में गुणा 16। तो यहाँ पर आपको ये अनुपात अति संक्षिप्त रूप में क्या आ गया है, 1/16। इसी को आप लिख सकते हो 1/16। यहाँ पिछले सवाल में भी आपको इसी तरह से लिखना था, 3/4। तो चौथा सवाल तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, तो मैं भी यहाँ पे पांचवा सवाल बता रहा हूँ आपको। पांचवा सवाल क्या है, 0.64% फिर से इसी की तरह सवाल है कि प्रतिशत में जानकारी दिया है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 100। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, 100 है तो उसी का उल्टा हम क्या लिख सकते हैं कि अंश में जो भी है उतना प्रतिशत, और अगर प्रतिशत में दिया है तो उसी को अनुपात में हम कैसा लिखते हैं, 100। ये चीज आगे चल करके आपको काम आएगा गुणधर्म, ध्यान में रखना है कि अगर अनुपात में 100 है तो उसको हम प्रतिशत में 0.64% लिख सकते हैं। हाँ सुशील राजभर, क्या पूछना है आपको, सुशील राजभर, सुशील राजभर क्या पूछना है, सर जो ये परसेंटेज है प्रतिशत जो 6.25, मेरे को यही नहीं समझ रहा इसमें कि इसमें डिवाइड कैसे, वो क्या डिवाइड कैसे, जैसे जो किए ना हमने 6.25 का मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 100, दोनों साइड तीन साइड हुआ है ना। हाँ तो मेरे को ये नहीं समझा, तो काटू कैसे इसको, पहली काटू कैसे का मतलब देखो आपको ये सोचना, ये तो पहला सवाल में भी बताया गया था ना काटना कैसे, ये पांचवी छठी आठवीं हर क्लास में आपको सिखाया गया है। आपको मैंने अभी इस सवाल में बताया किनारे पे 5 अथवा 0 है, इसका मतलब दोनों में 5 से भाग जाएगा, तो आप 5 से भाग देना है। उसके अलावा आपको पहाड़ा जितनी अच्छी तरह से आता रहेगा उतनी जल्दी आपको अंदाजा लगेगा कि दोनों संख्याओं को किससे काट सकते हैं। 20 तक आता है। हाँ 20 तक आता है, अच्छी बात है, तो बता तो रहा हूँ ना, 5 से इसको काटेगी नहीं, 5 से इसमें भाग दिए 15 आया, 5 से इसमें भाग दिए 20 आया। जिस संख्या से ऊपर भाग देना है उसी संख्या से नीचे भी भाग देना है, और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। एयरफोन चूर कर है। ठीक है ओके। तो अभी ये पांचवा सवाल देखो, आपको मैंने सबसे पहले इसको प्रतिशत का मतलब होता है 100 लिख दिए। अब हमारा काम है कि दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है तो 100 का गुणा। अब हमारी आवश्यकता है ऊपर 100 का गुणा करना, लेकिन गणित का नियम कहता है अगर आपने ऊपर 100 का गुणा किया तो नीचे भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर जब 100 का गुणा किए तो 0.2 अंक इस तरफ जाएगा, मतलब राइट साइड में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64 बटे, नीचे क्या बच रहा है 100 × 100। अब आपको ये देखना है कि ऊपर नीचे किससे काटे। फिर से देखो पहाड़ा जितना आपको मजबूत आएगा, जैसे अगर ऊपर 4 है तो 4 किनारे इकाई में 4 है मतलब 2 से भाग जाएगा, इकाई में 0 है मतलब उसमें भी 2 से भाग जाएगा, तो आप चाहो तो ऊपर 2 से भाग दो नीचे भी 2 से भाग दो, या और तेजी से आप आगे सोच सकते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें 4 से भाग दिया जा सकता है पूरा पूरा, और इसमें भी 4 से भाग दिया जा सकता है। तो अगर आपको नहीं समझता है तो आप 2 से भाग दो फिर 2 से भाग दो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट 4 वाला पहाड़ा दिमाग में आ रहा है तो 4 से इसमें भाग दिए, तो 4 × 4 2 × 24 4 × 6 24। देखो अगर ना समझे तो आप ऐसे रफ में भाग दे सकते हो, 64/4 4 × 4 घटा दिए 2, अगला अंक उतार लिए 4 × 6 24। जितना आप खुद से प्रयास करोगे उतना ज्यादा आपका अभ्यास मजबूत होगा। तो 4 से इसमें भाग दिए 16 आया, अब 4 से नीचे किसी एक को काटेंगे 4 × 2 = 8 2 = 20 4 × 5 =
20, अभी भी कट सकता है ऊपर नीचे। देखो इसमें चार से भाग जाएगा, चार चौक 16, इसमें भी चार से भाग जाएगा, चार दूनी 8, दो बचा, चार पचे 20। अब ऊपर नीचे की संख्या ऐसा कुछ है कि किसी से कट सकता है? देखो देखो चार दो से कटेगा, लेकिन क्या नीचे भी कोई दो से कटने वाला है? तो नहीं काट सकते हैं हम। अब नीचे अगर आप सोचोगे तो 5 से भाग जाएगा, लेकिन क्या ऊपर वाली संख्या में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमको वो संख्या ढूंढना होता है जिससे दोनों में भाग जाए, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ पे अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऊपर क्या आया 4 और नीचे 25 में 25 का गुणा करोगे कितना आएगा? 625। तो ये लास्ट में बच गया, तो इसी को अनुपात के रूप में क्या लिखोगे? 4:625। तो इस तरह से अनुपात को प्रतिशत में जानकारी अगर दिया है, उसे संक्षिप्त रूप में कैसे लिखना था ये हमने देखा। इसके बाद मैं आपको अभी चौथा सवाल नहीं ले रहा हूँ, ठीक इसके बाद पांचवा सवाल ले रहा हूँ। कारण ये है कि पांचवा सवाल ठीक इसका अपोजिट है। अगर आप ध्यान दोगे, पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में रूपांतरित करो। मतलब वहां कैसा था, तीसरे सवाल में जानकारी प्रतिशत में दिया था, हमको अनुपात में बदलना था। यहां कैसे जानकारी दिया है? अनुपात में जानकारी दिया है, उसे प्रतिशत में बदलना है। ठीक उसका उल्टा सवाल हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कोई चीज को हम प्रतिशत में कैसे लिख सकते हैं। अगर बटे में 100 है तो उसी अंश में जो भी संख्या है उसी को हम क्या बोलेंगे? इतना प्रतिशत। जैसे मैं बोला 15/100, तो 15/100 को ही आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? 15%, क्योंकि 15/100 मतलब क्या? 100 में से 15, और 15% मतलब क्या? उसका भी मतलब यही होता है, 100 में से 15। तो अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले जरूरी यह है कि हर की संख्या 100 होनी चाहिए। तो यहां अगर इस पहले सवाल पे ध्यान दोगे, आपको जानकारी दिया है 15:25, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसी बात को तो पहली बात तो हम क्या लिख सकते हैं, 15:25 को क्या लिख सकते हैं? बटे, बटे में क्या आ गया? 25। अब इसको प्रतिशत में बदली करने के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि बटे में 100 दिखना चाहिए, मतलब हर में 100 दिखाई देना चाहिए। अब हर में 100 दिखने के लिए क्या जुगाड़ करें? गणितीय जुगाड़ का इस्तेमाल करना है। देखो या तो आप किसी संख्या का गुणा कर सकते हो या तो किसी संख्या से भाग दे सकते हो। जोड़ना घटाना नहीं अलाउ है, क्योंकि जोड़ने घटाने के लिए वही प्रक्रिया अंश में करेंगे तो अनुपात बदल जाएगा। इसलिए अनुपात जो ओरिजिनल अनुपात है वो वही रहे, इसके लिए या तो आप गुणा कर सकते हो ऊपर नीचे समान संख्या का, या तो ऊपर नीचे समान संख्या का भाग दे सकते हो। तो यहाँ अगर आप सोचोगे कि क्या करें इस 25 को कि हमें 100 मिल जाए, किस संख्या का गुणा करें कि 100 मिल जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि 4 का गुणा करने से 100 हो जाएगा, लेकिन गणित का नियम क्या कहता है कि आपने नीचे 4 से गुणा किया तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ठीक अनुपात को संक्षिप्त रूप में करते हैं ना, उसका ठीक उल्टा हो रहा है। संक्षिप्त रूप में करने के लिए समान संख्या से भाग देते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ इसको प्रतिशत में बदली करना है और यहाँ नीचे 100 लाना है, तो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या था? समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा? 15 × 4 = 60, अब नीचे क्या आ जाएगा? 25 × 100। अब यही तो हमारा लक्ष्य था कि हर में 100 दिखाई देना चाहिए। तो जब 60/100 है, इसका मतलब उसी को आप क्या लिख सकते हो? 60%, 100 में से 60, मतलब 60%। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हर में 100 अगर है तो ऊपर जो भी संख्या है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत। ठीक इसी तरह दूसरा सवाल भी बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ये क्या दिया है? 47:50 को हम क्या लिख सकते हैं? बटे 50। अब आपको सोचना है कि हमें हर में क्या चाहिए? 100। तो क्या करें कि हर में 100 आ जाए? अगर 50 में 2 का गुणा करोगे तो हर में 100 आ जाएगा। नियम क्या है कि अगर नीचे 2 का गुणा किए
तो ऊपर भी दो का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर दो का गुणा करेंगे, दो सत्ते चौदह, दो चौके आठ और एक नौ, और नीचे जब दो का गुणा करेंगे तो सौ। देखो जिनको ये 47 में दो का गुणा से डायरेक्ट ना समझे कोई दिक्कत नहीं, उसको रफ में करो, एक बार करोगे, दो बार करोगे, दस बार करोगे तो आपको कमांड हो जाएगा डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन सोचोगे कि नहीं पता नहीं कैसे सर ने किया, हम उत्तर लिख देते हैं, तो भविष्य में आपको बार बार तकलीफ होगी। तो देखो दो सत्ते चौदह, हासिल लगा एक, दो चौके आठ और एक नौ, तो इस तरह से आपको ये प्राप्त हो जाता है। अब मुख्य बात यह है कि बटे में सौ है तो उसी को आप क्या लिख सकते हो, 94%। क्लियर, इस तरह से प्रतिशत में बदली कर दी है। इसके बाद मैं इसी का तीसरा सवाल अगर आप देखोगे तो बहुत ही सामान्य है। बटे में 10 है मतलब उसको 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा करना, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको सीधे चौथा सवाल करा रहा हूँ, 546 बटे 600, ये आपका प्रश्न है। 546 बटे 600, इसको प्रतिशत में बदली करना है। अब आप बोलो कि सर यहाँ तो छोटी संख्या थी तो हमने गुणा करके उसको 100 बना दिया, यहाँ भी छोटी संख्या थी गुणा करके हमने 100 बना दिया, यहाँ तो पहले से ही 100 से ज्यादा है, इसका मतलब वो बड़ा है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। अगर छोटा करना पड़ेगा तो उसको क्या करोगे आप, 546 बटे 600 जो है, अगर इस 600 को 100 में बदली करना है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 6 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 600 में 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 100। लेकिन नियम है कि नीचे 6 से भाग दिए तो ऊपर भी 6 से भाग देना पड़ेगा। अब देखो अगर ऊपर 6 से भाग देना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे भाग दे, तो फिर से मैंने बताया आप रफ में ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 546 भागे 6, देखो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से तो नहीं पॉसिबल है तो 54 पे विचार करना होगा, 6 9 54, ये पूरा कट गया, अगला अंक उतार लिए, 6 कम 6, तो मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 91, और अगर नीचे 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 100। अब हमारा तो यही टारगेट था ना कि नीचे 100 आना चाहिए, एक बार नीचे 100 आ गया तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 91%। क्लियर। इसमें एक सवाल और है जिसको हमारी मुंबई की भाषा में बोलते हैं थोड़ा सा अतरंगी है ना, क्योंकि इसमें तो और दिमाग नहीं काम करेगा, करे बटे में 16 है, न गुणा करके 100 आएगा न भाग दे के 100 आएगा, क्या करो, ये बड़ा तकलीफ देता है। तो इसके लिए इसका तो एकदम बहुत ही आसान इलाज है, ध्यान दो इसका इलाज एकदम आसान है। हर में क्या है, 16। अब बोलोगे सर तो न गुणा करने से 100 हो पाएगा न भाग देने से 100 हो पाएगा, करें क्या, मैं पूछ रहा हूं आपको चाहिए क्या, मुझे वो बताओ आपको क्या चाहिए, हर में 100, हर में 100 चाहिए, एकदम सिंपल बात है, मैं नीचे 100 का गुणा कर देता हूँ, कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन नियम क्या कहता है, नीचे 100 का गुणा किए तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति आए कि न गुणा करने से काम बन रहा है न भाग देने से काम बन रहा है, तो सीधा टारगेट पे जाओगे, आपको चाहिए क्या, हर में 100 चाहिए, हर में 100 का गुणा किए, हर में 100 का गुणा किए तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब हमें तो हर में केवल 100 चाहिए, याद रखो हमें हर में केवल ये संख्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हर में अगर 100 है तो ऊपर जो भी बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो हर में सिर्फ 100 रहेगा तभी जो ऊपर रहेगा उसको हम प्रतिशत लिखेंगे, लेकिन हर में 100 के साथ कोई और अंक है तो नहीं चलेगा। मतलब यहाँ जरूरी क्या है कि ये 16 को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 का 100 में गुणा करके 700 आ गया, बटे यहाँ इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 100 तो मुझे चाहिए, 100 को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 16 को डिस्टर्ब करना है, इसको भगाना है यहाँ से, तो भागेगा नहीं, हो इसको शहीद करके जाएगा, बोलेगा इसका नुकसान करके ही जाऊंगा,
तो मतलब क्या, 16 से इसमें भाग देना है। अब बोलोगे सर ये भाग तो 2 से कटेगा और तो कटेगा ही नहीं। चलो ठीक है 2 से काट देते हैं, 2 अठे 16, फिर 2 से इसको काटे, 2 तीन 6, 1 बचा 10, 2 बचे 10, 2 शून्य 0। बोलोगे और अभी भी 2 से कटेगा, चलो ठीक है फिर 2 से काटते हैं। देखो मैंने बताया था ना ध्यान में आए तो आप जितनी छोटी संख्या ध्यान में आता उससे काटो, पर काटो 2 चौके 8। ये नहीं कि कोई बड़ी संख्या से काट दिया तो मैं भी बड़ी संख्या से ही काटूं, वो कहावत है ना, कोई ऊंट पे चढ़ के जा रहा है तो हम बराबरी करने के लिए वो भिठौर पे चढ़ जाते हैं, ऐसा गांव में कहावत है। आपको पता होना चाहिए अपना औकात कि मैं यार मेरे पास ऊंट नहीं है, मैं भिठौर पे चढ़ूंगा तो भिठौर लेके मैं ही गिर जाऊंगा। तो इसलिए अगर कोई बड़ी संख्या से काट रहा है और आपको नहीं समझ है बड़ी संख्या से कैसे काटना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे छोटी छोटी संख्या से काटो। जैसे देखो मैंने क्या किया, एक बार 2 से काटा, फिर मुझे दिखने लगा अरे ये दोनों को अभी भी मैं 2 से काट सकता हूँ, फिर मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 से इसमें भाग दिया 4, 2 से इसमें भाग दिया 2 1 कम 2, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 10, 2 5 10। मतलब ऊपर कितना दिख रहा है 175, नीचे कितना दिख रहा है 4। 100 भी दिख रहा है लेकिन 100 को हाथ नहीं लगाना है, 100 तो हमारा टारगेट है कि नीचे 100 रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए 100 को बोलोगे सर 25 से इन दोनों को काट दो, 5 से दोनों को काट दो, अरे यार काट काट करके फिर तो यहीं पे आ जाओगे, हमारा टारगेट है नीचे 100 दिखना चाहिए। तो अब बोलोगे सर अब तो नहीं कटेगा लेकिन 4 तो हटाना है क्योंकि नीचे सिर्फ 100 रहना चाहिए, तो काटना तो पड़ेगा। यहाँ पे हमें संक्षिप्त रूप नहीं करना है, संक्षिप्त रूप जब करना होता तब हम जितना कटता काटेंगे उसके बाद वही लिख देंगे लास्ट में जो बचता है, पर यहाँ पे हमें नीचे केवल 100 चाहिए। तो ये जो 175 है इसको 4 से भाग देना ही पड़ेगा भले वो दशमलव में जाए। 4 चौक 16 घटाओगे तो एक आएगा, अगला अंक उतार लिए फिर 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12 घटाएंगे 3। अब भाग नहीं जा रहा है छोड़ना नहीं है, दशमलव लेके जाना है, कम से कम 2-3 अंक तो जाना है या तो पूरा कट जाए तो अच्छी बात है। 4 7 28 फिर घटाएंगे, 0 में 60 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 10 में 60 घटाएंगे 2, अभी भी हम 0 उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव बढ़ा चुके हैं, 4 5 20 इस तरह से कट गया। तो देखो कोई भी चीज अगर आपको भाग नहीं आता, गुणा नहीं आता, घटाना नहीं आता, उसको खुद से प्रयास करो। अगर आप 5वीं 6वीं से हर क्लास में खुद से प्रयास करते तो इन सब चीजों को समझाना इतना आवश्यक नहीं था, आपको पता है खाली इतना सर को बताना है कि प्रतिशत में बदलाव करना है ना, नीचे 100 आना चाहिए। अब आप सोचो गुणा करके आएगा, भाग दे करके आएगा, कैसे आएगा। तो मतलब ये हमने जब 4 से इसको काटा तो कितना आ गया, 43.75। मतलब अंत में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर 43.75 और नीचे बटे में 100। और हमारा यही तो टारगेट था कि अगर नीचे 100 दिख रहा है तो ऊपर जो भी दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उतना प्रतिशत। इसी को हम क्या लिखेंगे, 43.75%। इस तरह से दिए गए अनुपात को हम प्रतिशत में बदली कर सकते हैं। उसके लिए कभी जरूरत पड़ा तो गुणा करेंगे समान संख्या का ऊपर नीचे, कभी जरूरत पड़ा तो समान संख्या का भाग दिए, और कभी नहीं समझ में आया कि पता नहीं किसका गुणा या भाग करना है, जैसे मैं कह रहा हूं अगर इसी सवाल में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दो, फिर ये सोचो कि 600 को हटाना है कैसे भी हटाना है, मतलब इसको काट काट के ऊपर वाले से इसको काट काट के इसको हटा देना, नीचे 100 बचना चाहिए। तो नीचे 100 बचा तो ऊपर जो भी है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत। इस तरह से तीसरे सवाल में हमने क्या देखा कि प्रतिशत में दिया है उसको अनुपात में कैसे व्यक्त करें, पांचवें सवाल में हमने क्या देखा अनुपात में दिया है तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदली करें। अब मैं आता हूं मोस्ट वांटेड तीसरे सवाल, चौथे सवाल। ये चौथा सवाल क्या कह रहा है, एक छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं। इमेजिन करो, जब कल्पना करोगे ना तो चीजें आपको बहुत आसान लगेगी, प्रोसेस को बार बार पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। आप घुस जाओ मकान में
कि कोई मकान बन रहा है, घुस जाओ मतलब अभी बन रहा है, घुसो मत, खाली बाहर से देखो। एक मकान बन रहा है और तीन व्यक्ति लगे हुए हैं, और पता चला कि वो तीन व्यक्ति मिल करके वो मकान 8 दिन में पूरा कर देते हैं। हाँ सोनम, क्या पूछना है? ओके ठीक है सोनम, क्या पूछना है बोलो। सर एक बार 7/16 जो है क्वेश्चन, वो एक बार फिर से समझाइए। ओके आई जी वी पब्लिक डिमांड है भाई, बताना ही पड़ेगा। ठीक है फिर से देख लेते हैं। हाँ 7/16 ना, मैंने क्या बताया आपको? ध्यान में आ रहा है कि 16 में किसका गुणा करें कि 100 आ जाए? 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, मतलब 100 को तो डाक गया हो, मतलब किसी संख्या का गुणा करने से सीधे सीधे 100 नहीं आएगा, है ना? तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हमें तो, हाँ बोलो, तो हमें नीचे 100 चाहिए, तो हमने नीचे 100 का गुणा किया, लेकिन नियम है कि नीचे 100 का गुणा किए तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। जब हमको ना समझ में आए कि किस संख्या का गुणा करने से 100 होगा, तो हम केवल क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देते हैं। अब हमको सिर्फ दिमाग में रखना है कि 100 को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये 100 तो हमको नीचे चाहिए। 16 को हटाना है, 16 हटाने के लिए क्या करोगे, 16 से ऊपर भाग दोगे, तो ऊपर क्या है 700 है, तो 700 में 16 से मैंने भाग दिया। या तो आप डायरेक्ट भाग दे दो 700 में 16 से, देखो आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भाग दे सकते हो, 700 भागे 16, आप डायरेक्ट भाग दो, 16 5 80 ज्यादा हो जाएगा, 16 4 64, आप इसको घटाओगे कितना आएगा 6, अगला अंक उतार लिए 60, फिर 16 64 ज्यादा हो गया, 16 3 48, कितना बचा 12, अब भाग नहीं है, उतारने के लिए कुछ नहीं बचा, दशमलव ले जाओ, और 16 7 112, 16 8 128 ज्यादा हो जाता है, तो 16 7 112 घटाओगे कितना आ जाएगा 8, 0 बढ़ा दिए 16 5 80, मतलब ये कट गया ना, अंत में कितना आ गया 43.75। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 700 में 16 से भाग दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो सोचा भाई मुझे 16 से भाग दे पढ़ने में डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए, तो थोड़ा सा मैं बोला मैं वो नहीं भिठौर पे नहीं चढ़ूंगा, भिठौर समझते हो ना गांव में उपली का वो बनाया जाता है, मैं बोला मैं भिठौर पे नहीं चढ़ूंगा, मैं तो छोटा छोटा करूंगा, इसलिए मैंने 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया तो थोड़ा छोटा हो गया था। अब 4 से भाग देना मेरे लिए बड़ा आसान था, लेकिन आप 9वीं में पढ़ते हो तो आप डायरेक्ट 16 से भाग दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ओके थैंक यू फॉर ग्रांटिंग द परमिशन टू गो अहेड। चलो अभी हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं कि एक मकान बन रहा है भाई, तीन व्यक्ति जुटे हुए हैं मकान बनाने में, और ये पता चल रहा है कि बोलते हैं हम लोग 8 दिन में पूरा कर डालेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यार एक हफ्ते के बाद पूजा कराना है, तो मैं चाह रहा हूँ यार वो 6 दिन में मकान बन जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर मकान को 6 दिन में बनवाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, पहले बारिश आ रहा है तो मुझे खिड़की बंद करना पड़ा। ओके कम टू द पॉइंट, तो आपको 6 दिन में मकान बनवाना है तो मजदूर बढ़ाओगे कि कम करोगे? आप सब म्यूट हो, कैसे बोलोगे? ठीक है, इतना पक्का है कि अगर मकान जल्दी मकान का काम कराना है तो हमें मजदूर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या, व्यक्ति और लगने वाला दिन पर अगर हम विचार करें तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि तीन व्यक्ति वो मकान 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, प्रश्न है कि कितने व्यक्ति वो मकान 6 दिन में पूरा कर देंगे। इतना तो समझ में आ रहा है कि 3 से ज्यादा ही लगेंगे व्यक्ति, इतना हमको समझ में आ रहा है, कितना लगेंगे वो बात की बात है, पहले तो हमको इतना उसके लिए तो गणित सीखना पड़ेगा, पर बिना गणित के हमको इतना समझ में आ रहा है कि अगर 6 दिन में काम पूरा कराना है तो मजदूर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या, हमने दिन कम किया
तो मजदूरों की संख्या का क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इसमें कैसा बात हो रहा है, उल्टा, कि ये बढ़ा दिए सॉरी ये घटा दिए ये बढ़ गया, या कहो कि ये बढ़ाना है ये बढ़ जाएगा ये घट जाएगा, मतलब दोनों में उल्टा संबंध है। जब उल्टा संबंध होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष विचरण का संबंध या प्रतिलोम विचरण का संबंध या प्रतिलोमानुपाती। तो इसी बात को हम ऐसा लिखते हैं कि व्यक्तियों की संख्या तथा लगने वाले समय, समय मतलब जो यहां दिन में बात हो रही, लगने वाले समय में कैसा संबंध हमको समझ में आ रहा है, में प्रतिलोम अनुपात का संबंध है, लिखो, या प्रतिलोम विचरण का संबंध है। समझ रहे हो ना, मैडम ने उस दिन आपको बताया था प्रतिलोम विचरण क्या होता है, प्रत्यक्ष विचरण क्या होता है, और ये सातवीं आठवीं में भी सीखे हो। जैसे पेन है ना, मुझे मैं दुकान पे एक पेन खरीदने गया 5 रुपया लगा, मैं 2 पेन खरीदने जाऊंगा तो 10 रुपया लगेगा, 3 पेन खरीदूंगा तो 15 लगेगा। मतलब क्या, मैं पेन की संख्या बढ़ा रहा हूं, उसकी कीमत भी बढ़ रही है। मतलब जब दोनों, एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है या एक घटाने पर दूसरा घटता है, तो उसको बोलते हैं सीधा अनुपात, समानुपात। लेकिन अगर एक बढ़ाने पे दूसरा कम हो जाता है, जैसे मैं बोला व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पे लगने वाला दिन कम हो जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विचरण। याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विचरण का संबंध है। अब प्रतिलोम विचरण का संबंध है तो क्या हुआ, अगर प्रतिलोम विचरण का संबंध है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का गुणनफल हमेशा अचर होता है। देखो, अगर समानुपात का संबंध रहता है तो अनुपात अचर होता है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर प्रतिलोम विचरण का संबंध है तो व्यक्तियों की संख्या और लगने वाले समय का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिलोम से ही हमको ये समझ में आ रहा है, गुणनफल अचर होगा। जब एक बार आपको यह समझ में आ गया कि प्रतिलोम का संबंध है, तो आपको यह ध्यान में आ जाना चाहिए कि उनका गुणनफल कैसा होगा, अचर। अचर बोले तो चेंज नहीं होगा, जैसे बोलते बहुपद में हमने पढ़ा था ना कि अक्षर को हम लोग क्या बोलते थे, चरांग, चरांग मतलब अक्षर, उसका मान बदल सकता है, लेकिन जब जो अंक होता है उसके साथ में उसका मान नहीं बदलेगा। यहाँ पे इनका देखो, ये बदल रहा है ये भी बदल रहा है, लेकिन जब दोनों को गुणा करोगे तो हमेशा कैसा रहेगा, वो अचर मतलब सेम रहेगा। ये कौन कहता है, प्रतिलोम विचरण का गुणधर्म। तो इसलिए अगर हम मान लें, माना 6 दिन में अगर काम पूरा करना है, 6 दिन में काम पूरा करने के लिए एक समझ व्यक्ति की आवश्यकता है, हाँ ये ध्यान में रखो, अभी हमको तो पता नहीं कितने व्यक्ति लगेंगे, तो गणित में तो अपने पास हमेशा जिंदा बात रहता है ना x, तो हम क्या मान लिए, x मजदूर लगेंगे, ऐसा हमने सोच लिया। तो अभी हमको क्या पता है, गुणनफल तो अचर है, मतलब जो हमने यहाँ इमेजिन किया x, हमें पता है इसका गुणा जो भी होगा और इसका गुणा जो भी होगा वो क्या होगा, अचर। अचर का मतलब क्या, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, मतलब ये कि ये वाला गुणनफल बराबर होगा इस गुणनफल के, x गुणे 6 बराबर होगा 3 गुणे 8। अब बोलोगे सर वो अचर क्या है, अचर से हमको क्या मतलब है, हमको इतना तो समझ में आ गया ना कि इसका गुणा बराबर इसका गुणा, लिख दो इसका गुणा बराबर इसका गुणा, और यहाँ से पता ही चल रहा है ना अचर क्या है, 8 3 24, इन दोनों का गुणा भी क्या होगा 24, तो उस हिसाब से x का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणे 8 बटे 6। फिर से भाग देना, चाहो इन दोनों में 2 से भाग दो, चाहे ये दोनों में 3 से भाग दो, 3 से भाग दिए 3 दूनी 6, 2 से भाग दिए 2 चौके 8, x का मान कितना आ गया 4।
लेकिन यहाँ थक नहीं जाना है, गणित में आपको प्रश्न क्या कह रहा है वो ध्यान दिया करो। प्रश्न ने ये नहीं पूछा है कि x का मान ज्ञात करो, प्रश्न क्या पूछा है 6 दिन में वो मकान पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, और वो व्यक्ति हमने क्या माना था x, तो इसलिए उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए 6 दिन में मकान पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, 4, यहाँ पे उनको हम व्यक्ति बोल रहे हैं, एक्चुअली मजदूर सब लिख लेते, 4 व्यक्ति लगेंगे, ठीक है। तो इस सवाल में मुख्य बात यही है कि आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि संबंध किस प्रकार का है, प्रतिलोम कि प्रत्यक्ष। प्रतिलोम है दोनों का गुणनफल बराबर होगा, अगर प्रत्यक्ष होता है तो दोनों का बटे बराबर होता, तब हम ऐसा लिखते 3/8 बराबर 1/6, तो तिरिय गुणा करके जवाब मिल जाता। ओके आगे बढ़ू मैं। ओके तो अब आ जाते हैं हम इस अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है, आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:5, मतलब आभा है और उसकी मम्मी है, नहीं तो माता बोले तो पता ही नहीं, भवानी माता सोच लोगे। आभा और उसकी मम्मी का वर्तमान आयु, वर्तमान बोले तो इस समय उनकी उम्र, सच्ची सच्ची का कितना है नहीं दिया है, सच्ची सच्ची का पूछ रहा है कितना है, हाँ पर जो भी सच्ची सच्ची का है उसका अनुपात है 2:5, मतलब उनका उम्र 2 साल या 5 साल नहीं है, उसका संक्षिप्त रूप है, शायद उनका उम्र आभा का 20 साल शायद रहा होगा और उसकी मम्मी का क्या रहा होगा 50 साल शायद, तो अगर अनुपात आप सोचोगे तो क्या आएगा, 0 कट गया, कितना आ गया 2:5। याद रखो अनुपात वास्तविक मान नहीं होता है, हो भी सकता है कभी अगर नहीं कटने जैसा तो हो जाएगा, वही अनुपात हमेशा संक्षिप्त रूप होता है। वास्तविक मान का अगर पता करना है, जैसे यहाँ पे अगर 2:5 से 20:50 में पहुंचना है, तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 10 से गुणा और इसमें भी 10 से गुणा, मतलब इतना पक्का है कि दोनों में समान संख्या का गुणा करने से वास्तविक मान आ जाएगा। तो जब भी अनुपात दिया है हम वास्तविक मान अगर मालूम करना है हम लिखते हैं माना सामान्य गुणज, मतलब जो अनुपात है ना उसका सामान्य गुणज क्या है x, जैसे हम लोग अनुपात निकालने के लिए क्या करते थे, जो भी सामान्य गुणज रहता था उसको काट देते थे, यहाँ वास्तविक मान निकालने के लिए उसका हम गुणा कर रहे हैं, और हमें तो पता नहीं को क्या है, हम क्या मान लिए वो सामान्य गुणज क्या है x है। तो इस आधार पे आभा का वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, आभा का वर्तमान आयु, अब हमको समझ में आ रहा है 2:5 मतलब 2x वर्ष, और उसकी मम्मी, मम्मी का भी लिख देते हैं वर्तमान आयु 5x वर्ष। अब आगे जानकारी क्या दी है, जब आभा पैदा हुई थी, आभा का जब जन्म हुआ था तो उसकी मम्मी कितने साल की थी, 27 साल की थी, तो अगर मैं पूछूं कि दोनों की उम्र में अंतर कितने का है तो आप क्या जवाब दोगे, यही 27 साल, जब वो पैदा हुई थी तो 27 साल की थी, और आभा कितने साल की थी 0, क्योंकि तो पैदा हुई ना, तो अगर 10 साल के बाद अगर मैं सोचूं तो 10 साल के बाद आभा कितने साल की हो जाएगी, 10 साल की, उसकी मम्मी अभी पैदा होने पे आभा के 27 साल की थी, तो 10 साल के बाद 37 साल की, लेकिन अंतर दोनों में क्या रहेगा 27 वर्ष का, तो कभी भी उनका अंतर सोचोगे तो अंतर 27 का ही रहेगा। तो अभी वर्तमान समय में मम्मी 5x है, आभा 2x है, लेकिन उनका अंतर क्या होगा 27, तो आपको क्या लिखना है प्रश्न के अनुसार 5x ऋण 2x = 27, इसमें इसको घटा दोगे 3x = 27, तो x का मान कितना आ गया 27/3, ये आ गया x का मान। लेकिन फिर से सोचना है कि क्या प्रश्न पूछा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, वर्तमान आयु x नहीं है, वर्तमान आयु क्या है 2x और 5x, तो इसलिए उत्तर सही सही क्या लिखोगे, आभा की वर्तमान आयु बराबर 2x, 2x मतलब 2×9 मतलब कितना 18 वर्ष, और उसकी मम्मी, मम्मी का भी वर्तमान आयु निकाल ले, माता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा
ये है ना वर्तमान आयु मम्मी का 5x, यहाँ 5x लिख दिए, लेकिन अब तो हमें x का मान मालूम पड़ चुका है, नाउ कितना आ जाएगा 45 वर्ष। ओके तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस एक्सरसाइज के बचे हुए सवाल देखे। अब आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अगर अनुपात दिया है, सॉरी अगर प्रतिशत में जानकारी दिया है तो उसको अनुपात में कैसे बदली करना है, प्रतिशत को बटे सौ लिख दिए, बाद में उसको संक्षिप्त रूप में कर देते हैं। उसका उल्टा अगर जानकारी अनुपात में दिया है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदली करें, तो उसके लिए लॉजिक ये है कि बटे में सौ दिखना चाहिए, या तो समान संख्या का गुणा करने से आ जाएगा, या तो समान संख्या का भाग देने से आ जाएगा, या तो कभी कभी कुछ नहीं समझ में आता है तो ऊपर नीचे हम सौ का गुणा करें, सौ को सुरक्षित रखें हर वाला सौ, और बाकी हर में जो भी संख्या है उससे ऊपर भाग दे देते हैं। इसके बाद दो सवाल और हम लोगों ने देखा, एक विचरण से संबंधित था और एक समीकरण बनाने से संबंधित सवाल है। ओके तो बच्चों अभी तक जो मैंने सिखाया उसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पुनः पूछ सकते हो। यस, आपको किसी को अगर डाउट है, हाँ चल बोलो क्या प्रॉब्लम है सर। चौथा सवाल कैसे होगा? चौथा सवाल ये आ गया भाई, चौथा सवाल। अभी तो हमने बहुत टाइम दिया, भिठौर पे चढ़ गया इसको बताने के लिए। चलो कोई बात नहीं, क्या नहीं समझ में आया इसमें, अगर वो मुद्दा सीधा सीधा बोलो तो मैं वही बताऊं। सर ये व्यक्ति व्यक्ति की संख्या सौ, ये फिर से पूछो। सर ये आंसर कैसे आया? आंसर आंसर ही आपको चाहिए, देखो ना ये x गुणे छ बराबर तीन गुणे आठ, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x गुणे छ बराबर आठ त्रिक चौबीस। x निकालने के लिए क्या करोगे, छ इधर गुणे में है इस तरफ भाग दोगे, छ से भाग दोगे तो क्या आएगा, छ चौक चौबीस आंसर। यस और किसी कुछ पूछना है? यस खुशी, सुमित, सुमन, आकाश, किसी कुछ पूछना है? हाँ जी तुरंत पूछिए जिसको पूछना है। खुशी ओके, सुमित जिस जिसका समाधान हो गया हाथ नीचे कर लो। सुमित क्या पूछना है? सुमित हेलो सर। हाँ बोलो। तीसरा सवाल आता, तीसरा सवाल में ही तो हूँ मैं अभी तो, बताया क्या बताऊँ बोलो। क्या बताऊँ तीसरे सवाल में, क्योंकि इसमें तो कई बातें हैं ना। पहली बात आपको यह समझना है कि ये प्रश्न के अनुसार संबंध किस प्रकार का है, प्रतिलोम संबंध है कि प्रत्यक्ष संबंध है। अगर आपको ये समझ में आया है कि एक एक पद बढ़ाने पर, एक राशि बढ़ाने पर दूसरा राशि बढ़ता है तो वो प्रत्यक्ष का संबंध है, समानुपात का। लेकिन इस सवाल में अगर आप देखोगे कि अगर वही मकान आठ दिन की बजाय छह दिन में पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजदूर बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा सर मजदूर, मतलब समय हम कम दे रहे हैं तो व्यक्ति बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब इसमें कैसा हो रहा है, उल्टा बात हो रहा है। जब उल्टा बात होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विचरण। और ये नियम है कि अगर प्रतिलोम विचरण है तो उन दोनों राशियों का गुणनफल समान होता है। तो यही हमने लिखा है कि x गुणे छ बराबर तीन गुणे आठ। ओके ओप्पो ओप्पो ए नाइन भाई कौन है? ओप्पो ए नाइन है, नया नाम है, थोड़ा हटके, थोड़ा हटके नाम है ओप्पो ए नाइन। कौन है, क्या प्रश्न है, पूछो। हेलो सर। हाँ पूछिए। सर
वो आभा वाला वापस से बताइए ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। आभा कहाँ गई? आभा बता देता हूँ भाई, अच्छा हुआ पूछ लिए, नहीं नहीं तो घर चली जाती आभा। क्या पूछना है बोलो, एग्जैक्ट क्या पूछना है वो बोलो। सर समान गुणज कैसे लिखा? हाँ समान, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ एक संख्या है 10, एक संख्या है 15, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। एक संख्या है 10, एक संख्या है 15, अगर मैं पूछूं इनका अनुपात क्या होगा? अनुपात आप कैसे निकालते हो? बटे करते हो ना, और बटे करके क्या करते हो? समान संख्या से भाग देते हो, जैसे 5 से ऊपर भी भाग दिया, 5 से नीचे भी भाग दिया, तो कितना आ गया? 2:3, यही आया ना? हाँ सर। मतलब सच्ची सच्ची का कितना था? ओरिजिनली 10 था और 15 था, लेकिन जब अनुपात में लिखने की बात आई तो हमने क्या लिखा? 2:3। मतलब क्या हुआ कि अगर अनुपात में जानकारी दिया है और सच्ची सच्ची में कितना जानकारी वहां पहुंचना है, तो दोनों में किसी सेम संख्या का गुणा करना होगा। जैसे यहाँ किस सेम संख्या का हम गुणा कर रहे हैं? 5 का, है ना? वैसे ही यहाँ पे अनुपात मालूम है, तो वास्तव में उनकी उम्र इस समय क्या है अगर वो मालूम करना है, तो दोनों में किसी सेम संख्या का गुणा करना होगा। पर वो सेम संख्या तो हमें पता नहीं किसका गुणा करना है, लेकिन इतना पता है कि दोनों संख्याएं सेम है। तो अगर हमें नहीं मालूम हो दोनों संख्याएं क्या है, मतलब वो सेम संख्या क्या है, तो सेम संख्या को हम क्या मान लेते हैं? एक्स। ठीक है, सेम संख्या मतलब सामान्य, मतलब जो दोनों में, जिसका गुणा दोनों में हो रहा है उसको हम बोलते हैं सामान्य। तो जिस संख्या का दोनों में हम गुणा करना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मालूम, वो संख्या को हमने क्या मान लिया? एक्स। मतलब ये हुआ इस एक्स का गुणा अगर दोनों में हम कर देते तो हमें सच्ची सच्ची का उम्र मालूम पड़ जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू, वेलकम। चलो भाई अभी सुमन, सुमन पूछो, जल्दी से पूछो, टाइम बढ़ रहा है आगे। हाँ बोलिए सर, आपने ना पांचवे का पांचवा बताया ना, वो वापस से बताओ ना, थोड़ा समझ में नहीं आया। राम कितनी बार बताऊं पांचवे का पांचवा, मैं पांचवी बार मुझे लग रहा है बता रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो पांचवे का पांचवा अभी एग्जैक्टली, देखो मैं तो ऐसे बोलते रहूंगा ना तो आपको क्या चाहिए पता नहीं चलेगा, आपको क्या चाहिए वो पूछो तो मैं वही एग्जैक्टली बताऊ। कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझा वो पूछो। क्यों नहीं समझा सकता हूँ? बस समय की बाधा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देखो नीचे 16 है, हमें क्या चाहिए? नीचे 100, क्योंकि प्रतिशत में बदली करना है ना। ओ भाई सर। में... हाँ बोलो। नीचे 100 चाहिए क्योंकि प्रतिशत में बदली करना है। प्रतिशत में बदली करने के लिए कायदा यह है कि नीचे अगर 100 दिख रहा है तो ऊपर जो भी है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब नीचे 100 करने के लिए किसका गुणा करें हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इस सवाल में हमने 4 का गुणा कर दिया, इस सवाल में हमने 2 का गुणा कर दिया, इस सवाल में हमने 6 से भाग दे दिया, पर इस सवाल में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसका गुणा करें। तो मैंने तो आपको एकदम आसान तरीका बताया, आपको नीचे 100 चाहिए 100 का गुणा करो, नियम है कि नीचे 100 का गुणा किए तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब बात है कि नीचे तो सिर्फ 100 चाहिए, मतलब 16 नहीं चाहिए, तो 16 से ऊपर जो भी है उसको काट दो। तो हमने क्या किया, ऊपर 7 × 100 है 700 लिखा, 700 को 16 से भाग दिया, या तो छोटा छोटा करके भाग दिया या तो मैंने डायरेक्ट 700 में 16 से भाग दिया। 700 में जब 16 से भाग दिया तो कितना आ गया? 43.75। तो ऊपर हमने क्या लिख दिया? 43.75, और नीचे क्या है? ये जो 100 बचा है उसको लिख दिए। यही तो हमें चाहिए था कि नीचे 100 होना चाहिए, नीचे 100 है, ऊपर जो भी है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ओके तो हाँ सानिया तिवारी क्या पूछना है? ओके सोनम, तो